हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। बच्चे आज के क्लास में हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट में देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो आइए हम लोग देखते हैं। आपके सामने जो ये हेडिंग लगा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेरा भी फेवरेट टॉपिक यही है सर। तो आइए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के पीछे का रहस्य क्या है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप चूंकि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है सर, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये बात तो आप समझ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का क्या है, एक छोटा सा ब्रांच, छोटा सा नहीं आगे चल करके बहुत विशाल ब्रांच बन जाता है। भले आपके क्लास में यानी नाइन्थ क्लास में बहुत छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन आगे चल करके एक बहुत बड़ा पार्ट मैथमेटिक्स का कवर करता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे जाकर के सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ काफी डिटेल से पढ़ना होता है। वहाँ कहा जाता है कि कैलकुलस के बाद सबसे भास्ट टॉपिक अगर कोई है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आइए सर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस पृथ्वी पर लाने का जो श्रेय जाता है वो है रेने डकार्ते। उनका नाम क्या है, रेने डकार्ते, एक मैथमेटिशियन थे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिशियन थे। इनको सोने में बड़ा मजा आता था। इनका कहना था कि कोई व्यक्ति जो है लेट करके ज्यादा अच्छे से सोच सकता है, यानी आदमी जब लेटता है तो उस वक्त उसकी थिंकिंग अधिक हो पाती है। तो एक बार की बात है कि डकार्ते साहब जो थे अपने घर से निकले सुबह मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे निकले तो घर के पास में ही एक पार्क था, और उस पार्क में जाकर के वहाँ रोज ध्यान प्राणायाम वगैरह किया करते थे, एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे। तो डकार्ते साहब एक दिन पार्क गए हुए थे, वहां बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, माला जप वगैरह भी किया करते थे। अध्यात्म में उनको बहुत ज्यादा विश्वास था, ठीक, और सही बात है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आप भी अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं तो आप इंटरनली बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो डकार्ते साहब भी क्या करते थे, प्रत्येक दिन ध्यान व जप किया करते थे, जिससे कि आध्यात्मिक ऊर्जा से वो हमेशा ओतप्रोत रहे। तो एक दिन की बात है, वो माला जप करके और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह किए, तब तक मैं भूल गए कि हम माला यहाँ रखे हुए हैं। वो वहाँ से पार्क से घर चले आए। घर आने के बाद जब वो लेटे तो उनको याद आया, डकार्ते साहब को, कि अरे माला तो वहीं छोड़ दिए। तो अब उनका जो नौकर था घर में, तो उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाया कि अरे रामू, जा करके थोड़ा मेरा माला जो है वो ले आओ, वहाँ पार्क में छूट गया है। रामू दौड़ करके गया पार्क में, अब माला खोजने लगा, पूरा पार्क खोज लिया, लेकिन उसको माला मिला ही नहीं। वो बेचारा खाली हाथ वापस लौट करके चला आया। डकार्ते साहब अब भी लेटे हुए थे। हम पहले ही बताए कि डकार्ते साहब को लेटने में मजा आता था, सो करके काफी बहुत कुछ वो सोचते रहते थे। तो जब वो नौकर जो है डकार्ते साहब के पास आए, तो डकार्ते साहब ने पूछा कि क्या हुआ रामू, लाया तुमने माला? तो रामू ने कहा कि नहीं सर, माला आपका मिला ही नहीं हमको। डकार्ते साहब चिंतित हो गए, उनको लगा कहीं माला कोई लेकर के तो नहीं चला गया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक बार और ट्राई कर लिया जाए रामू को भेज करके। इस बार लेकिन उन्होंने कुछ टिप्स टेक्निक दिया उसको खोजने का। इस बार डकार्ते साहब ने कहा कि तुम ऐसा करना कि तुम पार्क में जब जाओगे सबसे पहले पार्क के मिड में जाना। ठीक है, पार्क के मिड में चले जाएंगे, सेंटर में, पार्क के सेंटर में चले जाना, और वहां से क्या करना, वहां से ईस्ट साइड की ओर तुमको 3 मीटर आगे बढ़ना है, अप्रोक्स 3 मीटर आगे बढ़ जाना। और उसके बाद फिर क्या करना, वहां से 4 मीटर जो है तुमको नॉर्थ साइड में बढ़ जाना है, ठीक, हो सकता है वहां तुमको मिल जाए। डकार्ते साहब ने कहा रामू को कि तुम क्या करना, पार्क के सेंटर से ईस्ट साइड की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर चलना, फिर वहां जब 3 मीटर चल दोगे तब वहां से 4 मीटर जो है नॉर्थ साइड की ओर चलना है, वहां जाने के बाद हो सकता है मेरा माला तुमको वहां मिल जाए। उन्होंने अनुमानित डेटा दिया उसको कि हो सकता है कि इतना दूर चलोगे तो तुमको माला मेरा मिल जाएगा। रामू अपने साहब के कथनानुसार पार्क के सेंटर में गया, और पार्क के सेंटर में जाने के बाद 3 मीटर ईस्ट की ओर, फिर 4 मीटर नॉर्थ की ओर जब गया तो सच में माला वहीं पर रखा हुआ था। अब चूंकि मैथमेटिशियन थे तो उनका अनुमान भी एकदम पूरा एग्जैक्ट हो गया, ठीक।
तो 3 मीटर जो है वो ईस्ट की ओर और 4 मीटर नॉर्थ की ओर जब गया तो सच में दकारते साहब का माला उसी जगह रखा हुआ। अब देखिए रामू बड़ा खुश हुआ और दौड़े हुए वो उस माला को लेकर के दकारते साहब के पास आया। दकारते साहब को जाकर के बोला, दकारते साहब सॉरी सर, आपका माला मिल गया। दकारते साहब जो लेटे हुए थे, जैसे उनके कान में ये आवाज गई कि माला मिल गया, वो खुशी के मारे उछल पड़े। और रामू जितना खुश था उससे करीब 100 गुना ज्यादा खुश दकारते साहब थे। तो रामू इस खुशी का कारण पूछने लगे कि सर क्या हुआ, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो गए? इतना भी ज्यादा तो खुश होने की आवश्यकता नहीं थी, एक माला, एक छोटा सा चीज माला मिलने पर, ठीक, वो नहीं भी मिलता तो क्या दिक्कत था, कल खरीद लेते दूसरा माला। दकारते साहब ने कहा, रामू ये जो खुशी है वो माला मिलने की खुशी नहीं है, ये खुशी है मैथमेटिक्स के एक नए ब्रांच का इजाद करने की। जानते हो इसके वजह से हमको मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच मिल गया है। अब हम किसी भी प्लेन में अगर किसी भी पॉइंट को दिखाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम इस टेक्निक से उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से स्टार्ट हुआ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी ब्रांच का नाम, मैथमेटिक्स के उसी ब्रांच को नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी पॉइंट को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो तरीका जो है जिस ब्रांच में सीखा जाता है, उसी का नाम क्या है सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। तब फिर उन्होंने क्या किया, इसने दकारते साहब ने कहा कि ठीक है, पार्क है हमारा, अब इस पार्क को हम पार्क नहीं बोलेंगे, इस पार्क को हम प्लेन बोलेंगे। इस पार्क को हम क्या बोलेंगे? प्लेन। अच्छा, प्लेन क्या होता है सर? आप जानते हैं सर, प्लेन जो है एक ऐसा सरफेस होता है। अच्छे से समझना, 8th क्लास के बच्चे भी क्लास में बैठे हुए हैं, वो भी काफी अच्छे से समझेंगे एकदम। तो बिल्कुल हम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में बता रहे हैं, ठीक। तो प्लेन किसको कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज प्लेन, आप उसको बताएंगे एक ऐसा सरफेस जो स्मूथ हो, एक ऐसा सरफेस जो क्या हो सर, स्मूथ हो, उसी को आप क्या कहोगे बच्चा? प्लेन कहोगे। द सरफेस विच इज स्मूथ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जो सरफेस स्मूथ होता है उसी को आप क्या कहते हैं सर? प्लेन। अब दकारते साहब ने क्या किया, पार्क को प्लेन मान लिया। अब उस प्लेन को सर, अब उस प्लेन में क्या किया दकारते साहब ने, दो लाइन ड्रॉ किया। एक लाइन था हॉरिजॉन्टल और दूसरा लाइन था वर्टिकल, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही थी। ऑर्थोगोनली कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन जो है एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का कहने का मतलब सर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जब दो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करती है तो उसी को कहते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना। तो पार्क में दो लाइन ड्रॉ किए दकारते साहब, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था एक वर्टिकल लाइन, दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब उन्होंने क्या किया सर, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रही थी, इस पॉइंट को एक नया नाम दिया। उसका नाम क्या था? ओरिजिन। क्योंकि रामू जब चला था तो यहीं से चला था, यही सेंटर है पार्क का, यही सेंटर, सेंटर पार्क का क्या है? सेंटर। यहीं से रामू चलना शुरू किया था। तो जहां से कोई चीज चलना स्टार्ट करता है सर, वो ओरिजिन कहलाता है। जहां से किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं सर? ओरिजिन। तो यहीं से डिस्टेंस मापा गया था दकारते साहब के द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया सर? ओरिजिन बोल दिया गया, ओरिजिन। और इसको कहा जीरो पोजीशन का, यहां से चूंकि स्टार्ट ही हुआ, ठीक, इसीलिए सर इसको जीरो पोजीशन बोला। ये आपका क्या है? ओरिजिन। अब आपको कोई पूछे कि ओरिजिन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर दकारते साहब ने जो प्लेन, जिस प्लेन में दो लाइन को ड्रॉ किया था ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करवाते हुए, वो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है ना, वो पॉइंट ही क्या कहलाता है? ओरिजिन। अच्छा, एक बात और हम कहना आपको भूल गए, ये जो प्लेन है सर, इस प्लेन में जब दो लाइन ड्रॉ किया गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये दोनों लाइन जब ड्रॉ किया गया एक प्लेन में, तब प्लेन का एक नया रूप बन गया सर, और इस नए रूप को एक नया नाम दिया गया। तो इसमें भी दकारते साहब बहुत सोचे, काफी चिंतन मनन किए कि इस प्लेन का नाम क्या रखा जाए। कौन से प्लेन सर? जिस प्लेन में
एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगी, उस प्लेन को हम बोलेंगे क्या? तो दकार्ते साहब सोचे कि क्या नाम रखा जाए, सोचे किसी दूसरे के नाम पे रख देंगे तो फिर दूसरा लोग क्रेडिट ले लेगा, तो ऐसा करते हैं अपने नाम पे रख देते हैं। तो उनके नाम में लगा हुआ है दकार्ते, दकार्ते। उन्होंने क्या किया, लास्ट का ये जो है सिक्स लेटर ले लिया कार्टेज, डेस को हटाया और कार्टेज रहने दिया, अपने नाम का लास्ट सिक्स लेटर लिया और इसके साथ लगा दिया ईएन, तो बन गया कार्टेजियन। क्या बन गया सर? कार्टेजियन। तो इसी प्लान, इस प्लान को तब नाम क्या दे दिया गया, कार्टेजियन प्लान, अपने नाम पे ही रख कार्टेजियन प्लान। तो हम बोलेंगे यदि किसी प्लान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, तब जिस प्लान का फॉर्मेशन होता है उसी प्लान को क्या कहते हैं सर, कार्टेजियन प्लान कहते हैं। उसी प्लान को क्या कहते हैं चला, कार्टेजियन प्लान कहते हैं। अब कार्टेजियन प्लान में अभी अभी एक ही चीज का चर्चा किया गया है, वो है ओरिजिन। हमने ओरिजिन बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे सर, ओरिजिन कहेंगे। तो ये आपका ओरिजिन हो। अच्छा सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो था उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन था उसको क्या कहा गया सर, वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया सर, ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब आपको कोई पूछेगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, तो आप बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखते हैं ना सर, उसी को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन देखते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अब बात था कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो सर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये सवाल था। तो उन्होंने कहा, दकार्ते साहब ने कहा कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, एक काम करो। अच्छा, इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक ना, हम मिटाते रहेंगे आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके पास पॉज करने का ऑप्शन है। चलिए, तो अब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, जैसे यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था। अच्छा, रिप्रेजेंट करने से पहले एक बात मैं और बता दूं, आपका जो ये कार्टेशियन प्लान था, आप देखते होंगे, आपको, आप जब देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्लान में सर चार पार्ट है। कितने हिस्से हैं, चार हिस्से हैं, ये और चार हिस्से हैं सर। और चूंकि चार हिस्से हैं इसीलिए इसको बोला गया क्या, क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को क्या बोला गया है सर, क्वाड्रेंट बोला गया। तो चौथा पार्ट है इसीलिए इसको क्वाड्रेंट, क्वाड का मीन, क्वाड का सेंस फोर से लिया जाता है, फोर्थ से, ठीक। तो क्वाड्रेंट हो गया सर, ये चौथा पार्ट है कार्टेशियन का, वन फोर्थ पार्ट, वन फोर्थ पार्ट है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, क्वाड्रेंट। और कन्वेंशनली सर, परंपरागत रूप से इस वाले हिस्से को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, इस वाले हिस्से को सेकेंड क्वाड्रेंट बोला गया है सर, इस वाले हिस्से को थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया, और ये जो सबसे लास्ट बच गया इसको क्या बोला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया सर। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया। अब देखिए सर, अब फिर इसमें सर नंबर को फिर रिप्रेजेंट किया सर, बोला कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को डालना है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को, -1 -2 -3 -4, इसी तरह बढ़ाते रहेंगे आप, -5, ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक। फिर सर y एक्सिस पे, सर y एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर जो था, ओरिजिन से ऊपर आपका क्या था, पॉजिटिव नंबर था, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और ओरिजिन से नीचे क्या था, नेगेटिव नंबर था, -1 -2 -3 -4, इस तरह से नंबर को दिखा दिया गया। अब सवाल उठा कि सर हमको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है सर, प्लेन में किसी पॉइंट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, तो दकार्ते साहब ने कहा ऐसा करते हैं, इस पॉइंट के लिए दो कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब समझने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट अब समझेंगे, जैसे इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, चूंकि एक्सिस दो था तो कोऑर्डिनेट भी दो, एक्स कोऑर्डिनेट और क्या सर, वाई कोऑर्डिनेट।
तो सर एक्स ये कोऑर्डिनेट होता क्या है सर? कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो सर कहा गया कि किसी भी पॉइंट को आज के बाद से अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना सीखो। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है सर? 3 है। तो बोला ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 हो गया। अब इसी पॉइंट का सर वाई एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस देखो। तो सर ये पॉइंट इसके सीधे में है, ठीक इस लेवल में है ना सर। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस देखो कितना है, चला 4। तो किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और उसी पॉइंट का वाई एक्सिस पर जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। आप देख रहे हैं इस पॉइंट का, अगर आप इसको ए बोल रहे हैं तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4। अब जानते हो दकार्ते साहब ने इसको भी एक नया नाम दिया, कहा किसी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट है सर, किसी पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलेंगे क्या? एब्सिसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? एब्सिसा बोलेंगे, एब्सिसा। और किसी पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो उसको भी एक नया नाम दिया, किसने? दकार्ते साहब ने। सर वाई कोऑर्डिनेट को बोल दिया गया क्या? ऑर्डिनेट बोला गया। क्या बोला गया? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोला गया एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला गया बच्चों? ऑर्डिनेट बोला गया। तो बड़ा ही सिंपल सब चीज है। तो अब देखिए सर, इसमें एब्सिसा भी आपका पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी क्या है सर? पॉजिटिव। इस पॉइंट का एब्सिसा भी पॉजिटिव है और सर ऑर्डिनेट भी क्या है? पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए सर, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट सर, कोई भी पॉइंट ले लोगे सर, वो सारा पॉइंट का एब्सिसा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और ऑर्डिनेट भी क्या होगा सर? पॉजिटिव। अब सर सेकेंड क्वाड्रेंट में, सर सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होगा देख लो? नेगेटिव हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में सर, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है एब्सिसा आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप देख रहे ना सर, एब्सिसा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में है सर, इसीलिए एब्सिसा इसका नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी क्या बच्चा? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का एब्सिसा क्या हो जाएगा बोलो बच्चा? पॉजिटिव। आप देखिए ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बैठा हुआ है। तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एब्सिसा जो होगा यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव होगा सर। और वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट जो है वो हर हमेशा क्या आएगा सर? नेगेटिव आएगा। तो बड़ा ही सिंपल चीज है, आप इसको पहले इसमें से जो छोटी छोटी बातें हैं इसको आप लिख लीजिए, ये क्वाड्रेंट है, ये फिगर वगैरह ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अब आपने देखा कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उस पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तब फिर उस पॉइंट का आपको क्या लिखना पड़ेगा? वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपसे कोई पूछ दे -3.2 है इस पॉइंट, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो अभी आपने देखा इसमें सर प्लस प्लस, इसमें सर माइनस प्लस, इसमें क्या था? -, और इसमें क्या था सर? +, बात समझ रहे हैं ना? ये सब हमने क्या लिखा, ये अवशीषा और ऑर्डिनेट का हमने साइन सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसमें अवशीषा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसमें अवशीषा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। अगर आपका पॉइंट किसी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो अवशीषा निगेटिव और ऑर्डिनेट भी क्या सर? निगेटिव। और अगर आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अवशीषा हो जाएगा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? निगेटिव हो जाएगा। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट के लिए टेक्निक।
अब जरा बताओ मेरे भाई, आपसे कोई पूछेगा इसमें कैसा सवाल रहेगा? आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स अगर किसी को पूछना होगा सवाल, तो आपसे कैसे सवाल करेगा? आपको ऐसे ही सवाल करेगा, -3.2 बताओ किस क्वाड्रेंट में है? तुम देखोगे कि अवशिषा निगेटिव है, अवशिषा निगेटिव इसमें भी है, इसमें भी, या तो सेकेंड होगा या तो फोर्थ होगा। तब जाएंगे अब ऑर्डिनेट को देखने के लिए। सर ऑर्डिनेट पॉजिटिव है सर, तो इसमें पॉजिटिव है, अवशिषा निगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, सिर्फ किसमें है? सेकेंड में। इसलिए क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट सर? सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको पूछ दिया -7.3 ये किस क्वाड्रेंट में होगा सर? ए सर वही सवाल दे दिया फिर से, अवशिषा निगेटिव है, ऑर्डिनेट क्या है सर? पॉजिटिव है। ये फिर किस क्वाड्रेंट में चला गया बच्चा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सर -5.-5 दे दिया सर, अवशिषा और ऑर्डिनेट अगर दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। इसे फ्रैक से थर्ड मारेंगे सर। अगर सर अवशिषा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, 4.5 ये किस क्वाड्रेंट में है जरा बोलो तो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट। लेकिन सर अगर अवशिषा आ गया पॉजिटिव और ऑर्डिनेट आ गया निगेटिव, तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सर साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अवशिषा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट निगेटिव है, हम क्या बोलेंगे सर? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप इसको चाहे तो नोट कर लें, नहीं चाहे तो नहीं नोट कर। अब हम लोग अगला पॉइंट देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको पता चलेगा। आइए सर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक कार्टेशियन प्लेन है, छोटा सा कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। ये आपका एक्स एक्स डैश और ये आपका क्या है चला वाई वाई डैश। ये जान रहे हैं ओरिजिन है। अच्छा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है सर? 0.0, क्योंकि सर ओरिजिन इस पॉइंट का ओरिजिन से ही डिस्टेंस, सर ओरिजिन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा सर। तो चलिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या सर? 0। आइए हमको किसी दो पॉइंट का सर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आइए सर यहां पर आपका एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मान लीजिए कि दे दिया है x1, y1, और कोई पॉइंट है सर बी, और उस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है सर x2, y2। बड़ा सिंपल है सर, आप इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जरा बताइए तो सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है सर, x1, y1 है, यानी इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है जरा बोलो बच्चा? x1। इस पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट x2, y2 है, यानी सर इस पॉइंट का ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस क्या है चला? x2 है। जरा बताओ मेरे भाई, ये पूरा x2, ये पूरा x1, ये छोटा वाला पार्ट क्या होगा? इस बड़े में छोटे को क्या करो सर? घटा दो। ये आपका आ जाएगा x2 - x1। x2 माइनस क्या बच्चा? x1। फिर से सर अब यहां चलो सर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, यानी इस पॉइंट का ओरिजिन से y एक्सिस पर डिस्टेंस कितना होगा? y2 हो जाएगा सर। सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, दैट मींस सर इस पॉइंट का y एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y1, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया सर? y1। ये पूरा y2 है सर, छोटा सा पार्ट y1 है, तो जरा बता दो ये छोटा सा पार्ट y2 - y1 हो जाएगा सर। इस पूरा बड़ा में सर इस छोटे वाले को आप घटा देंगे तो ये बीच वाला नहीं निकल जाएगा, y2 - y1। चलो भाई ये x2 - x1 आ गया, ये y2 - y1। जरा देखो तो सर आपने इसे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये तो सर राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है चला? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अंकल ने कहा है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस इसका क्या है? ए बी है। ए बी, ए बी मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस, ए बी मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस। ए बी बराबर सर ए बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है? बराबर होता है। चलो सर वाई, तो ये आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आपका ab बराबर हो जाएगा सर,
ए बी बराबर कितना चला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस क्या सर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये निकल गया आपका ए से बी तक का क्या सर डिस्टेंस, एकदम नोट करते जाएंगे सब लोग सर। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। अच्छा आपको मैं एक और चीज बता दूं, आपने क्या निकाला है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकाला है सर, ए से बी तक का डिस्टेंस। अगर कोई बच्चा भूल से सर एक्स टू माइनस एक्स वन के जगह पे बोल रहा है एक्स वन माइनस एक्स टू, तो मैं कह दे रहा हूँ सर उसको सॉरी कभी नहीं बोलना है सर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अगर ऐसा ही बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए सर, टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर कीजिए या थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर कीजिए, दोनों बराबर ही आता है, दो में तीन गया माइनस एक का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एक का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू वन, इसका भी वैल्यू कितना वन, तो सर ऑर्डर चेंज होने पर स्क्वायर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। चलिए तो एक्स टू माइनस एक्स वन के बाद आप एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स टू भी आराम से बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं इसके सर, ये आपका टू कोमा थ्री है, ये आपका फोर कोमा फाइव है, कह दिया सर इसके बीच का डिस्टेंस बोलो कितना होगा सर, इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सिंपल है सर, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर दो माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर तो थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये सर आपका गया दो में चार गया माइनस दो का स्क्वायर क्या होता है चार, तीन में पांच गया माइनस दो का स्क्वायर चार, चार चार आठ होता है सर, रूट आठ को बोलते हैं टू रूट टू, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यही था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, b बराबर रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। अब हम इस पे कुछ सवाल दे रहे हैं आपके लिए, ठीक, होमवर्क आप बना करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है सर, उस पे आप भेजें। टू कोमा थ्री फोर कोमा फाइव इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है सर, ए आपको वन टू दे दिया वन थ्री, बी दे दिया थ्री फोर और सी दे दिया टू कोमा थ्री। आपको सर निकालना है इसके तीनों साइड का लेंथ, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो साइड ए भी निकल जाएगा, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो साइड बी सी आ जाएगा, और सी से ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो साइड सी ए आ जाएगा। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल है सर आपका, आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी डी सर यहां भी आपको दिया वन टू एट कोमा सेवन माइनस थ्री कोमा टू और फोर कोमा थ्री, आपको निकालना है सर इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का लेंथ, ए से बी तक का डिस्टेंस साइड ए भी हो जाएगा सर, बी से सी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो साइड बी सी निकल जाएगा, सी से डी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो साइड सी डी आ जाएगा, और डी से ए तक का के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सर साइड ए डी आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप हमें बना करके जरूर भेजेंगे, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। आइए सर अब देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स सर, कोलिनियर पॉइंट समझते हैं सर, कोलिनियर सर एक ही लाइन पर स्थित तीन पॉइंट अगर हो तो उस तीनों पॉइंट को आप क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो एक ही लाइन पर दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है, हमेशा ऑलवेज कोलिनियर सर, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, अगर दो पॉइंट आपको दे दे कि वो कोलिनियर है कि नहीं तो एकदम आंख मूंद करके बोल दीजिए कि वो कोलिनियर है, लेकिन तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है कोलिनियर नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आपको सर तीन को पॉइंट दे दिया ए का कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वन वाई वन और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे दिया बच्चा एक्स टू वाई टू और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको एक्स थ्री वाई थ्री, आपको कह रहा है कि सर चेक कीजिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी कहता है कि तुम क्या करो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालो, मान लो ए बी आ गया, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालो बी सी आ गया, और फिर ए से सी तक का डिस्टेंस निकालो ये आपका क्या आ गया ए सी। तो अगर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी करने पर ये ए सी के बराबर आ जाता है तब तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, बात समझ रहे ना सर। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और फिर क्या निकालिए ए सी निकालिए, ठीक।
तो ए बी प्लस उसके बाद ए बी प्लस बी सी करके देखिए वो ए सी के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर आ जाता है तब तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, अदरवाइज वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं सर, 1, 2, 2, 3 और फिर 1, √3, ये तीनों पॉइंट के बारे में बताना है कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर है। तो चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ये आपका कॉलिनियरिटी का कंडीशन हो गया, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या सर। अब देखो बच्चों, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, एक तो ये तो आपको प्रूव टेस्ट करना ही है, बताना ही है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है कॉलिनियर। दूसरा क्वेश्चन आपका फिर इंतजार कर रहा है, कहता है सो दैट पी क्यू आर आर कॉलिनियर। इसमें क्या करेंगे सर, आप पी से क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सर क्यू से आर का डिस्टेंस निकालेंगे क्यू आर, और फिर पी से आप किसका डिस्टेंस निकालेंगे आर का, तो पी आर। तो सर पी क्यू प्लस क्यू आर, अगर पी आर आ जाता है तो कॉलिनियर है सर, वही तो शो करना है, पी क्यू प्लस क्यू आर ये बराबर आपका आना चाहिए पी आर। तो इसको बना करके आप हमें भेज सकते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है सर? सर जब किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, जैसे ये आपका ए है और ये आपका क्या सर बी है, ध्यान देंगे सर, जब किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक तीसरा पॉइंट सर बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कहेंगे, बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक। तो यहां हम कहेंगे कि डिवाइड कर रहा है, अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक तीसरा पॉइंट पी जो है, ये तीसरा पॉइंट पी, ये अगर डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट पी का यानी डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर आपको दिया हुआ है सर ए एक्स वन वाई वन ए का कोऑर्डिनेट, बी दिया हुआ हो एक्स टू वाई टू, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट बच्चे दिया हुआ है एक्स टू वाई टू, तो सर पॉइंट पी यानी जो इसको डिवाइड करेगा उस डिवाइड करने वाले पॉइंट को का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। एक बात जान लीजिए सर, डिवीजन जो होता है वो दो तरह से, कितने तरह से, दो तरह से, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक पॉइंट जो है दो तरह से डिवाइड कर सकता है, कौन कौन तरीके से सर? तो आप कहेंगे एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब दोनों में अंतर समझना है कि इंटरनल डिवीजन कैसे होता है और एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है। इंटरनल डिवीजन मान लीजिए यहाँ P है सर, और ये P अभी कह रहा है कि ये जो है M रेशियो N में डिवाइड है, आपको बोल दिया कि P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है सर M रेशियो N में, तो P जो है AB को डिवाइड कर रहा है M रेशियो N में, दैट मीन्स सर AP बटे PB बराबर क्या होगा सर M बाय N, बात समझ रहे हैं? तो अभी देखो डिवाइड करने वाला पॉइंट कहाँ है, इस लाइन के अंदर स्थित, लाइन के ऊपर ना है सर, तो अभी सर ये पॉइंट P जो है इस लाइन के ऊपर स्थित है, तो ऐसे डिवीजन को कहते हैं इंटरनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन सर? इंटरनल डिवीजन। और सर कभी ऐसा हो जाए सर, ये आपका A हो जाए ये आपका B और इधर कहीं पर P हो जाए, और इस केस में भी अगर आपको बोल रहा है कि AP बटे PB बराबर M बटे N है, ध्यान से समझिएगा हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहां अगर A है यहां B है और पॉइंट P इधर या फिर इधर हो जाए, और इस केस में भी बोल रहा है कि AP बटे PB बराबर है M बटे N, तब इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि P जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में सर, M रेशियो N में, बात समझे क्यों सर, क्योंकि अभी डिवाइड करने वाला पॉइंट जो है वो लाइन के अंदर नहीं है सर, लाइन के बाहर है, लाइन के बाहर स्थित है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। कौन सा डिवीजन बाबू रे? एक्सटर्नल डिवीजन। तो बच्चा अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स टू वाई टू और डिवाइड करने वाला पॉइंट लाइन के अंदर स्थित है, तो इस डिवीजन को बोलते हैं, इस डिवीजन को बोलते हैं कौन सा डिवीजन सर? इंटरनली
इंटरनल डिवीजन, और अगर सर पॉइंट लाइन के बाहर स्थित है तो ऐसे डिवीजन को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या कहते हैं सर? एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ, दोनों केस में रेशियो सेम, एपी बटे पीवी बराबर क्या सर? एम बटे एन। तो एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं इसको सर। अब दोनों के लिए फॉर्मूला आपका क्या जाता है सर? पॉइंट पी का जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरनल डिवीजन हो तब पी का कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो थोड़ा अलग अलग करके आपको दिखा देते हैं, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पी का कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं एक्स कोमा वाई है, तो ये एक्स कैसे निकलेगा सर? एक्स निकलेगा, एक्स बराबर हो जाता है सर क्रॉस, ये एम को एक्स टू से और एन को किससे चला? एक्स वन से मल्टीप्लाई कर देना, यानी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे क्या हो जाएगा चला रे? एम प्लस एम। और फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो एम वाई टू और प्लस क्या सर? एन वाई वन। वाई बराबर आपका आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे कितना चला? एम प्लस एन। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपका आ गया सर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब एक्स बराबर कितना? सिर्फ अंतर इतना होगा कि जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एम। और फिर वाई बराबर क्या हो जाएगा? एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे कितना सर? एम माइनस एन। तो ये आपका आ गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, और ऊपर वाला जो है वो आपका क्या आ गया सर? इंटरनल डिवीजन के लिए। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया है। सर ये लाइन है और इस लाइन को ज्वाइन करने वाला, ध्यान से समझो, सबको समझ में आएगा। ए है सर, ये आपका बी है। ए का कोऑर्डिनेट बाबू एक्स वन वाई वन है वो, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है एक्स टू वाई टू। और अगर पी इसका मिड पॉइंट है सर, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? अगर हम बोल देते हैं कि P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x वाला कैसे निकलेगा? देखो सब लोग को समझ में आएगा। करना क्या है सर? x कोऑर्डिनेट को जोड़ देना। इसका x कोऑर्डिनेट x1, इसका x कोऑर्डिनेट x2। x1 plus x2 by क्या हो जाएगा? 2। और y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है सर, y1 plus y2 by 2 कर देना। कितना सिंपल है सर। अब देखिए ना सर, कोई भी दो पॉइंट दे दिया, जैसे ये आपका 3.4 है, ये आपका 5.6 है, आपको कह दिया इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसका मिड पॉइंट ज्ञात कीजिए, तो आप फटाफट नहीं बता देंगे सर पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा सर? एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू। तो सर एक्स वन है 3, एक्स टू है 5, तो 3 + 5/2। और सर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो वाई वन प्लस वाई टू बटे टू सर, तो y1 plus y2 बटे 2। तो सर y1 आपका 4, y2 कितना? 6। 4 plus 6 by 2। तो सर p का कोऑर्डिनेट आपका आ गया कितना? बोलो चला। 3 + 5 = 8। 8 बटे 2 कितना होता है? 4। 4 plus 6 10। 10 बटे 2 कितना होता है सर? 5। ये आपका p का कोऑर्डिनेट आ गया। सिंपल एकदम। ये आपका p का कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट ऐसे ही निकालते हैं सर। आइए सेक्शन फॉर्मूला पे एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो सेक्शन फॉर्मूला पे एक प्यारा सा प्रॉब्लम लेता हूं आपके सामने, जैसे ये पॉइंट, ये लाइन है सर, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है 1.5। आपको कह दिया कि अगर सर कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है AB को, किसको सर? AB को डिवाइड कर रहा है इन 2:3, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिवाइड कर रहा है। तो सर दोनों के लिए आप निकालिए, तो पहला इंटरनली के लिए निकालना है और दूसरा किसके लिए निकालना है बोलो? एक्सटर्नली के लिए। बड़ा ही आसान काम है ये सर, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के निकालना है। तो सर अभी आपको पता चला है कि पी जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सर? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो क्या हो जाएगा? पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर एम एक्स टू 2 × 1 प्लस एन एक्स वन प्लस 3 × 2 बटे कितना सर? एम प्लस एन, यानी 2 + 3 आ गया सर। अरे ये तो एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ आया है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा सर? एम वाई टू 2 × 5 और प्लस सर 3 × 3
बाई कितना बोलो चला, 2+ यही हो गया सर, कितना सिंपल है। पापी का कोऑर्डिनेट आप जोर घटा करके लिख दीजिए, 2 × 2 = 3 × 2 = 6 × 2 = 8 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9 होता है सर, 10 × 9 = 19 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए सर, जब पी आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है एबी को, तब आपका कोऑर्डिनेट जो होगा पी का क्या होगा, 8/5 = 19/5। और एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ जहां प्लस है वहां क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो लिख दीजिए सर एक्सटर्नली के लिए, सेकंड नंबर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए सर, तो क्या हो जाएगा पी का कोऑर्डिनेट जरा बोलो मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 2 × 1 − 3 × 2 / 2 − 3। इधर क्या हो जाएगा बोलो चला, 2 × 5 − 3 × 3 / 2 − 3। अब जरा बताइए पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया चला, 2 × 2 = 3 × 2 = 6, 2 में 6 चला गया सर, −4/-1। और यहाँ 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9, 10 में 9 गया तो कितना, 1/-1। अब जरा बोलो, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, −-1 कैंसिल हो गया, 4 × −1 आ गया। ये था एक्सटर्नल डिवीजन, ये था आपका इंटरनल डिवीजन। आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये सब सवाल समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से दोबारा उस वीडियो को उस पॉइंट पर देखें, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवश्य करूंगा। ठीक, अब देखिए सर सेंटर ऑफ ट्रायंगल में आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में सेंटर ऑफ ट्रायंगल में कुछ सेंटर ही दिया हुआ है ट्रायंगल का, एक सेंट्रोइड दिया हुआ है, दूसरा सर्कम सेंटर दिया हुआ है, कहेंगे तो आपको हम इन सेंटर ही बता देंगे, फिर ऑर्थो सेंटर का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया है, ज्यादा नहीं सर। ठीक, तो मेनली आपको सेंट्रोइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, इस तीनों की जानकारी होनी बहुत अधिक आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रोइड ए बी सी। चलिए सर ए का कोऑर्डिनेट सबसे पहले तो हम लोग सेंट्रोइड देखेंगे, और पहले सेंट्रोइड जान लेते हैं सेंट्रोइड होता क्या है। सर ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, तब जो ये लाइन बनता है ना सर, उसको कहते हैं मीडियन। ये आपका क्या है, मीडियन है, ये आपका क्या है। अब सर वर्टेक्स 3 है ट्रायंगल के पास, अब प्रत्येक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मीडियन कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन भी बनेगा, एक मीडियन ए डी हो गया, दूसरा मीडियन आपका बी हो गया, और तीसरा मीडियन आपका सी एफ हो गया, सी एफ हो गया, ये आपका मीडियन, ये आपका सी एफ जो है ये मीडियन हो गया। अब ये तीनों मीडियन आप जब ड्रॉ करेंगे ना अच्छे से सर, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट से जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को आप कहते हैं सेंट्रोइड, इसी को आप क्या बोलेंगे सर, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हमेशा जी से डिनोट किया जाता है जनरली, तो सेंट्रोइड आपका ये हो गया। तो सेंट्रोइड क्या है सर, सेंट्रोइड इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, मीडियंस का, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसी को आप क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, कहते हैं सेंट्रोइड इज द क्या बोलेंगे सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इतना क्या है, सेंट्रोइड ऑफ पॉइंट ऑफ, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या कहते हैं सर, सेंट्रोइड कहते हैं। बड़ा सिंपल है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। अब आइए सर अब बातें होगी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, अगर x1 y1 हो और b आपका x2 y2 हो और c आपका क्या हो सर, x3 y3 हो, चूंकि सर वन शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं इसका प्रूफ अभी नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट ये बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। तो सर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बस क्या करना है, तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, यानी x1 + x2 + x3 बाय कितना सर, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल है सर, y1 + y2 + y3/3। आप किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं सर, बहुत आराम से, बटे 3। तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आइए एक प्यारा सा सवाल ले लेते हैं यहाँ पे सर, एक ट्रायंगल है इसका कोऑर्डिनेट आपका 1, 2,
यहाँ सर बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5.7 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2.3। आपको निकालना है सर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो क्या करेंगे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर? सर x1 + x2 + x3/3 तो 1 + 5 + 2 1 + 5 + 2/3 और फिर y1 + y2 + y3/3 2 + 7 + 3/3 आ गया सर। तो अब आपका आप बोल सकते हैं जी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 × 2 = 7 = 8/3 और 7 × 3 = 10 = 12/3 12/3 कितना हो जाएगा सर 4 × 3 = 12। तो ये आपका जी का कोऑर्डिनेट आ गया 8/3.4। तो ये था आपका सेंट्रोइड। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं सर्कम सेंटर। अब देखिए बच्चों सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखने वाले हैं। सर्कम सेंटर किसको कहते हैं सर? कोई आपका ट्रायंगल है ना सर, ट्रायंगल। अब करना क्या है सर? कुछ नहीं, तीन साइड होता है ट्रायंगल में। कितना साइड होता है चला? तीन साइड होता है। और तीनों साइड का क्या करो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हैं सर, इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया सर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का। सर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया सर। और फिर एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया सर। अब देखिए सर तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहा है, पास कर रहा है ना। इसी पॉइंट को जानते हो क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर को अगर हम लोग सेंटर मान करके, और अच्छा सर्कम सेंटर को जनरली डिनोट किससे किया जाता है सर? ओ से। किससे? ओ से। अब इस ओ से आपको क्या, आप क्या कीजिए सर, ए को मिला दीजिए, इस ओ से बी को मिला दीजिए और इस ओ से सी को मिला दीजिए। ये तीनों डिस्टेंस सेम होता है और इसको रेडियस मान करके सर, जब आप इसको सेंटर और इसको रेडियस मान करके जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल आपका इस तरह से जाएगा। और ये जो सर्कल जाएगा सर, इस सर्कल को क्या कहते हैं जानते हैं? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, बात समझ गए? सर्कम सेंटर को आपने सेंटर मान लिया और इस सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को क्या मान लिया? रेडियस। इसको रेडियस मान के जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तब वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर के जाती है और उसी सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस हुआ, यानी सर सर्कम सेंटर से ट्रायंगल के वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस कहते हैं। ये आपका सर्कम रेडियस हो गया सर, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। तो सर्कम सेंटर ये आपका क्या है सर? सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जरा बोलो तो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखेंगे सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या सर? सर्कम सेंटर। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था इसका। आइए अब सर्कम सेंटर निकालना कैसे है सर? ये तो सर्कम सेंटर का डिफिनेशन है कि सर्कम सेंटर किसको कहते हैं। हमने बोल दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर के को, सर्कम सेंटर को सेंटर मान लीजिए और उस सर्कम सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को रेडियस मान करके जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, तब जो सर्कल बनता है वो तीनों वर्टेक्स से होकर के जाता है और उस सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। और सर्कम सेंटर से ट्रायंगल के वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सर्कम रेडियस कहलाती है। अब चलिए सर सर्कम सेंटर निकालेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है सर्कम सेंटर निकालना। अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया सर आपको x3 y3, तो कुछ नहीं करना है सर। आपको क्या करना है? इसका कोऑर्डिनेट मान लेना है h, k। अब हमको h और k का वैल्यू ही निकालना है सर। अब मैथमेटिक्स का ये सर कंसेप्ट है कि आपके पास अगर एक चीज अननोन हो, एक चीज का मान निकालना हो, तो हमको सवाल से क्या करना है? एक समीकरण बना लेना चाहिए। अगर दो चीज अननोन हो तो सवाल से दो समीकरण निकालो, दो इक्वेशन।
दो इक्वेशन निकालो, अगर आप दो इक्वेशन निकाल लेते हैं तो आप आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सवाल हो जाएगा, आप फटाफट बना सकते। तो सर यहाँ कैसे बने, यहाँ कितना चीज अननोन है, दो अननोन है सर, कितना अननोन है, दो अननोन, एच और के दोनों का मान निकालना है सर। तो क्या करना है सर, आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, दो इक्वेशन बना लीजिए। कैसे सर, एक तो हो जाएगा सर ओ ए और ओ बी, ये चूंकि सर सर्कम सर्कल का रेडियस है तो सर एक ही सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा ओ ए बराबर क्या सर, ओ बी। तो एक इक्वेशन तो इससे आ जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, बाद में आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, उसके बाद सर फिर ओ बी बराबर क्या कर लीजिए सर, ओ सी कर लीजिए। तो ओ बी बराबर क्या सर, ओ सी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। इस तरह से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से आपका आ जाएगा। इसके कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं बताते हैं, हम बच्चे को डायरेक्ट यही दोनों इक्वेशन निकालने के लिए कहते हैं और उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा। तो प्लीज आप इसको नोट करो। तो सर्कम सेंटर आपने देखा बड़ा आसान है सर, आराम से आप निकाल लेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, प्रॉब्लम होता है तो आप बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, हम उसके लिए सर्कम सेंटर के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का होगा, उसमें कुछ सवाल भी करा देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए सर अब चलते हैं इन सेंटर, ये सर रिवीजन के लिए, ये वीडियो आप उस दिन देखिए जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो देखने का है, आप उस दिन देखिए, सारा चीज एक बार में रिवाइज हो जाएगा, 40-45 मिनट लगेगा पूरा एक चैप्टर रिवीजन का। चलिए सर ये आपका क्या है, अब आगे क्या है सर, इन सेंटर, इन सेंटर है सर। इन सेंटर कैसे निकालते हैं जरा बोलो तो चलो, इन सेंटर पहले कहते हैं किसको सर, उसको जाना जरूरी है। आइए सर को बच्चों इन सेंटर समझते हैं, इन सेंटर किसको कहते हैं सर, आप क्या कीजिए इसमें, इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, तीन एंगल है, तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए सर, तीनों एंगल का बाइसेक्टर। अब एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है सर, वो लाइन सर जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसी को क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे ये लाइन है आपको, तो ये लाइन क्या कर रहा है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया एडी। बी का एंगल, बी का एंगल बाइसेक्टर आपका हो गया बी, और फिर एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर हो गया सर, एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया ये सी एफ, तो ये आपका पॉइंट जो है, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से क्रॉस करेगी सर, एक ही पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर। करने का मतलब सर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास करती है उसी को आप क्या कहते हैं सर, इन सेंटर कहते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सर बाइसेक्टर होगा वो एक दूसरे को जहां मीट करेगा उसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब सर इन सेंटर को किससे डिनोट किया जाता है, जनरली आई से, इन सेंटर को आई से। अब बड़ा सिंपल है सर इसको भी निकालना, अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ हो x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो सर x3 y3, देखो कैसे निकालते हैं। अब एक चीज याद रखना, वो ट्रायंगल में हर हमेशा ए के सामने वाले साइड का लेंथ को हमेशा ए मान करके चलते हैं, बी के सामने वाले साइड को हमेशा स्मॉल बी ले करके चलते हैं, और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड को हमेशा स्मॉल सी मान करके चलते हैं, ये आपका सी हो गया। अब हमको क्या करना है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जैसे निकालना है तो क्या करोगे, ए को एक्स वन से मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स वन, अच्छा ये ए बी सी समझ गए ना, बी से सी तक का डिस्टेंस ए, सी से ए तक का डिस्टेंस बी, और ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया सर सी। तो आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो कुछ मत कीजिए सर, जहां जहां एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है वहां वाई वन वाई टू वाई थ्री लिख देगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस क्या सर सी वाई थ्री
बटे क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां से आपके इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखेंगे। स्ट्रेट लाइन का स्लोप, सबसे पहले स्लोप समझना है बुआ, स्लोप कहते किसको? बड़ा सिंपल सा चीज है स्लोप। स्लोप किसको कहते हैं सर? कोई जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन दी हुई है सर, ये लाइन, अच्छा ये जानते हो ये वाला डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन जो है ये एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। तो कोई लाइन जो है सर वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है ना सर, जितना एंगल बनाता है उस एंगल के टेंजेंट को, उस एंगल के टेंजेंट को ही क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, टेन थीटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होने वाला है इसमें, ठीक। तो अभी आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको जहां जरूरत होगी ना, जैसे 10:30 की आवश्यकता पड़ गई, 10:45, 10:135, हम अभी बता दिया करेंगे, ठीक। तो इसलिए इसको सिर्फ ये डिफिनेशन के लिए आया है, और स्लोप निकालने का जो दूसरा तरीका होगा ना सर, वो आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी आपके लिए नहीं रखता है, लेकिन आगे चल करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। एम बराबर आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा को ही क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। यानी स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो क्या होता है सर? एंगल जो लाइन, जो लाइन जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है, उसी एंगल के टेंजेंट को ही क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। बात समझ गए? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। आपको कोई पूछता है स्लोप किसको कहेंगे? चलिए इसको हम लिख देते हैं, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये वाला एंगल, पीछे वाला नहीं। कई बार हम बच्चे को ये ऐसे करके दिखाते हैं, आगे वाला हमेशा ध्यान दें, टेन ऑफ आगे वाला एंगल, टेन ऑफ क्या सर? आगे वाला एंगल, यही होता है स्लोप, टेन ऑफ आगे वाला एंगल, हमेशा आगे वाला लेना है। यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है ना सर, उसी के टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। बड़ा सिंपल, अगर आपको कोई कह दे जरा बताओ तो चला ये लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा? तो एम बराबर आप क्या बोलेंगे सर? टेन फोर्टी फाइव, और टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है 1। तो इसका स्लोप आपका क्या हो गया? 1। बड़ा आसान सा चीज। एक और बता दूं तो एक लाइन है सर जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और आपको पूछ दिया स्लोप क्या है, तो आप बोलेंगे 10:30 डिग्री। 10:30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये आपका स्लोप। 60 डिग्री का एंगल बनाएगा 10:60, तो आपका √3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये सब चीज है सर। तो स्लोप आपका क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्लोप से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे आपका एक लाइन ऐसा है सर, ये अब इसका स्लोप पूछ दिया, अगर ये एंगल बना रहा है 135 डिग्री, तो सर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 10 135, और 10 135 डिग्री का वैल्यू मैं अभी सिर्फ बता देता हूँ, उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए। कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। 10x का वैल्यू होता है -1, तो ये आपका एम का वैल्यू कितना आ गया सर? -1 हो गया। तो ये आपका स्लोप। तो चलिए एक दो और ले लो, 120 डिग्री अगर एंगल बना रहा है तो सर एम बराबर हो जाएगा 10x120, और 10x120 डिग्री का वैल्यू होता है -√3। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कैसे होता है तो मैं आप बोलेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। अब अगर लाइन सर दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक आपका x1 y1 है और दूसरा आपका x2 y2 है, अब एंगल नहीं दिया है सर और बोल दिया कि लाइन का स्लोप निकाल। तो चलिए, तो सर स्लोप तो जान रहे हैं, स्लोप होता क्या है सर? लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसी एंगल के टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। चलिए सर आइए थोड़ा सा इसको हम प्रूव कर देते हैं फटाफट। तो सर यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए सर, जरा बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना सर? x1, क्योंकि इस पॉइंट का ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है? x1 है। और यहां से इस पर
परपेंडिकुलर डाल दीजिए सर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया चला, x2 हो गया। तो चलो ये x2 हो गया, ये आपका क्या हो गया सर, x1 हो गया। अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सर। तो ये x2, ये x1, तो ये क्या हो गया जरा बोलो, x2 माइनस x1। फिर सर क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 है, इसलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना y2, और यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट कितना सर y1, डिस्टेंस कितना y1, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है y कोऑर्डिनेट y1। तो सर ये बड़ा वाला y2 छोटा वाला y1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा जरा बोलो तो y2 माइनस y1, y2 माइनस आपका आ गया y। अब देखो सर अगर इस मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है सर थीटा, तो सर ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, क्योंकि सर दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल, तो ये थीटा, तो ये भी कितना चला थीटा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ही एक कंसेप्ट है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है चला बेस है, तो ये आपका आ गया वाई टू माइनस वाई वन बटे कितना चला एक्स टू माइनस एक्स वन। तो टेन थीटा किसको कहते हैं स्लोप को, तो वाई टू माइनस वाई वन बराबर आ गया सर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना है, अगर वो लाइन एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से पास करिए तो क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं, यहाँ से 2.3 है, यहाँ आपका 4.5 और इसका स्लोप आपको कह दिया निकालने के लिए, फटाफट निकाल दीजिए सर y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, तो ये आपका आ गया सर 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, m का वैल्यू कितना आ गया सर 1। आइए एक और सवाल लेते हैं सर, यहाँ पर सर आपका एक पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस 2 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है माइनस 2.3 और आपको कह दिया इस लाइन का स्लोप निकालो, तो फटाफट निकालिए ना सर, ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, तो y2 माइनस y1 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा सर। फिर नीचे में x2 माइनस क्या हो जाएगा सर x1 हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 कितना सर बोलो m बराबर आ जाएगा 5 बटे माइनस 3, ये आपका स्लोप होगा। बड़ा ही सिंपल था स्लोप का कंसेप्ट, आई होप कि स्लोप का कंसेप्ट भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए सर अगर कोई लाइन है सर वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है सर वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, और तब इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर एम बराबर टेन जीरो, टेन जीरो बार क्या होता है सर जीरो, यानी स्लोप ऑफ लाइन, हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन क्या लिखेंगे सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और सेकंड नंबर सर अगर सर लाइन आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है तब बताइए ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, तो सर एम बराबर कितना बोलो चला 1090, तो 1090 का वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन, तो स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस ये बराबर कितना सर इन्फिनिटी। अब सर कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर खुद के पैरेलल होता है सर, तो अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जीरो बोला गया है तो स्लोप ऑफ अगर एक्स एक्सिस भी पूछ दे तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना जीरो। वाई एक्सिस का स्लोप सर वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी वाई एक्सिस ये आपका इन्फिनिटी होगा, तो प्लीज आप इसको नोट करिए। टू लाइंस देखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सिर्फ ये आपके क्लास के लिए सर सिर्फ देखने के लिए है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का उतना ज्यादा यूज नहीं करने वाले हम लोग, सिर्फ पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए यूज करेंगे, तो बात समझ रहे हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस दो एंगल दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है सर, तो क्या करना है सबसे पहले इस लाइन का स्लोप बताइए क्या है, फिर इस लाइन का स्लोप, तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप एम वन है और इस लाइन का स्लोप आपका क्या है सर एम टू है, तो ये आपका एम वन और ये आपका एम टू, तब इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है, इस लाइन के बीच का क्या सर
एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है? तो मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला देता हूँ, प्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि प्रूव ये 11th में है, तो 9th में अभी उतना प्रूव बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जान लीजिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। बस आपको अगर किसी दो लाइन का स्लोप अगर पता है सर, तो स्लोप अगर पता है तो आप बता सकते हैं उस दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। अब चलिए सर, अब सर इसी से निकलता है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन। अगर दो लाइन पैरेलल हो सर, अगर दो लाइन क्या हो सर, पैरेलल हो, तो जरा बताओ तो सर, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उस दोनों के बीच का स्लोप, उस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? जीरो। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है सर? जीरो। यानी सर tan थीटा के जब क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे। और tan जीरो क्या हो जाएगा सर? जीरो। और बोलो चला, जब जीरो यहाँ रखेगा तो जीरो रखोगे तो सर ये वाला इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका m2 माइनस m1 बराबर जीरो। अब m1 को भेजो उधर तो ये आ जाएगा m2 बराबर m1, दैट मीन्स m1 बराबर क्या सर? m2। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका कंडीशन क्या होगा? m1 बराबर क्या होना चाहिए सर? m2। यानी उस दोनों लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर सर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रहोगा तो थीटा कितना? 90। दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच ये जो है सर, ये आपका अगर एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है सर, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर लाइन, दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल कितना बनेगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए सर, सर 90 बाय 10 90 कितना सर? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मतलब क्या सर? 1/0 समथिंग बाय 0, यानी नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए सर? 0, तभी ना इन्फिनिटी होगा इसका वैल्यू। चलो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा सर? 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर की। आ जाइए सर, तो परपेंडिकुलर बात को समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो सर क्या थीटा 90 रखेंगे परपेंडिकुलर में? थीटा 90 तो tan 90 का वैल्यू कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या? समथिंग बटे 0, समथिंग बटे 0, यानी ये नीचे वाला क्या होना चाहिए चला? 0 होना चाहिए। तो सर 1 प्लस m1 m2 बराबर कितना? 0। अब जरा बताना, ये 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। m1 into m2 बराबर कितना सर? -1 आ गया। ये प्लीज आप इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन, ये होगा पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन। अगर आपको कोई पूछता कि दो लाइन पैरेलल कब होगा, तो आप कहेंगे जब उस दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब उस दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए? -1। तो अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल, अगर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो प्लीज आप इस महत्वपूर्ण रिजल्ट को पहले आप नोट करें। अब सर, अब हम लोग लाइन का इक्वेशन देखने वाले हैं। तो इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन का बहुत सारा फॉर्म होता है, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र दो फॉर्म दिया हुआ है। एक है आपका सर पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसी दोनों फॉर्म को हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं। आइए सर, अगर एक लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ और उसका स्लोप एम दिया हुआ, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर? बड़ा सिंपल काम है, बहुत ज्यादा सिंपल काम। क्या करेंगे सर? तो सर किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए वेरिएबल का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए एक वेरिएबल पॉइंट हम मान लेते हैं x, y, ये अपने तरफ से माना गया, अच्छे से समझिएगा सर, ये अपने तरफ से ये पॉइंट मान लिया गया है सर। तो जरा बोलो मेरे भाई, m बराबर क्या होगा? अगर लाइन दो, लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ हो, तो अभी आपको बताएं कि कैसे निकालते हैं सर लाइन का स्लोप। तो सर y2 माइनस y1 बटे सर x2 माइनस x1, यानी x माइनस x1। अब क्या हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, m इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बोलो चला, y माइनस y1। तो ये आपका फाइनली, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। चलिए ये था आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपका क्या था सर? पॉइंट स्लोप फॉर्म था। आइए इस पर एक कुछ सवाल करा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया 1, 2 और m दे दिया आपको √3, आपको कह दिया कि इक्वेशन निकालिए। आप क्या करेंगे सर? सर ये x1 है, ये y1,
बस ये जो आपका इक्वेशन हमने निकाल करके दिया है ना सर, बस इसी में पुट करना है। अब आपको इतना तामझाम नहीं करना है, बस ये वाला चीज सिर्फ रखना है। एक्स वन और वाई वन का मान रख दीजिए, एम का मान रख दीजिए, बस काम तमाम है आपका। चलिए वाई माइनस वाई वन, वाई वन के जगह पे क्या है बउआ रे, टू है, बराबर एम इन टू, एम के जगह पे कितना है रूट थ्री इन टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन के जगह पे क्या है चला वन है। तो ये आपका आ गया वाई माइनस टू बराबर रूट थ्री एक्स माइनस कितना चला रूट थ्री। अब इस सबको अच्छा, हम जब कभी भी आपको इक्वेशन निकाल करके लिखेंगे तो हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर जीरो के फॉर्म में लिखेंगे सर, क्योंकि वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है लाइन का। तो चलिए ये आपका उधर चल गया, बाकी आप ऐसे वैसे भी लिख देते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो रूट थ्री एक्स इस वाई को उधर भेजिए सर, तो माइनस वाई हो गया, टू इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो टू माइनस रूट थ्री इधर बच क्या गया सर, जीरो बच गया। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन फाइनली आ गया। तो ये था आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब चलेंगे हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सर क्या रहेगा, आपको जैसे एक लाइन दे दिया सर, अब जब आप स्लोप देख रहे हैं तो स्लोप तो रहेगा ही सर, तो स्लोप तो आपका रहेगा ही रहेगा, एम दे दिया सर, स्लोप आपका एम दे दिया। और इंटरसेप्ट ये किस त्रिज्या का नाम है सर, इसको सर पहले जानते हैं। इंटरसेप्ट किसको कहते हैं सर, कोई लाइन है ना सर, कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए कोमा जीरो पर इंटरसेक्ट करेगी, तो लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना उसको क्या कह देंगे, एक्स इंटरसेप्ट कर देंगे। क्या कह देंगे सर, एक्स इंटरसेप्ट। फिर से सुनिएगा हम क्या बोले, कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। और कोई लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे सर, वाई इंटरसेप्ट। तो चलिए सर, तो अगर सर लाइन का स्लोप आपको दे दे एम और इंटरसेप्ट आपको दे दे सी, वाई इंटरसेप्ट क्या सर, वाई इंटरसेप्ट दे दे आपको सी, तो आपको पूछे लाइन का इक्वेशन। एक काम करते हैं सर, y इंटरसेप्ट दे दिया है इसका मतलब सर ये लाइन जो है, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सॉरी y कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या होगा सर, c होगा, यानी आपका जीरो कोमा क्या हो जाएगा c, क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया है सर। और y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं सर, तो कोई लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं सर, y इंटरसेप्ट। तो ये आपका, अब देखिए इस लाइन पर सर हमको पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप पहले से दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे y माइनस y1, y1 के जगह पे क्या है चला c, बराबर m इंटू एक्स माइनस जीरो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे। अब जरा देखो y माइनस c बराबर m इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एम एक्स, सी इधर माइनस में उधर जाएगा तो सर प्लस में, y बराबर आ गया सर एम एक्स प्लस सी आ गया। तो ये है आपके लाइन का कौन सा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां आपका m क्या है लाइन का स्लोप है और c क्या है सर लाइन का y इंटरसेप्ट। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए तब हम x इंटरसेप्ट से रिलेटेड भी इक्वेशन बताते हैं। तो अब देखिए सर, अब हम लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लिखने वाले हैं वो तो किसके लिए, जब आपको y इंटरसेप्ट ना दे करके x इंटरसेप्ट देगा तब, अभी जो हम इसके पहले बताए उसमें जब आपको y इंटरसेप्ट देगा तब आपको निकालना है, अभी हम सवाल भी करवाएंगे उस पर एक आध। चलिए अभी यहाँ लाइन का स्लोप दिया हुआ है m और x इंटरसेप्ट दे दिया है b, सर x इंटरसेप्ट दिया है इसका मतलब कौन सी, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है इसका मतलब सर लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना उसका x कोऑर्डिनेट दे दिया है, यानी d कोमा जीरो, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट d है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, जीरो, क्योंकि x एक्सिस पे आप कहीं पर चले जाइए x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। और इसका स्लोप सर m, स्लोप कितना चला रहे m, तो y माइनस y1, फिर निकालिए y माइनस y1, तो y माइनस जीरो, और m इंटू
एक्स माइनस एक्स वन होता है सर, एक्स वन किस जगह पे क्या डाल दोगे सर, डी डाल दोगे, तो वाई माइनस जीरो बराबर एम इंटू एक्स माइनस डी, वाई में जीरो चला गया तो सर वाई बराबर एम इंटू एक्स माइनस डी, ये हो गया लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तब। तो चलिए सर इसको पहले नोट कीजिए, ये बच्चे अगर वाई इंटरसेप्ट सी दे दिया तब आपके लाइन का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और अगर एक्स इंटरसेप्ट डी दिया हुआ है तो आपके लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई बराबर एम इंटू एक्स माइनस डी। आई जैसे हम आपका कुछ सवाल करते हैं, जैसे आपके लाइन का स्लोप दे दिया आपको वन और वाई इंटरसेप्ट यानी सी बराबर दे दिया है माइनस थ्री, तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है फटाफट, वाई बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस सी होता है सर, तो क्या करेंगे वाई बराबर एम के जगह पे वन इंटू एक्स माइनस थ्री, तो वाई बराबर आ गया सर एक्स माइनस थ्री। तो चलिए ये आपके लाइन का इक्वेशन आ गया, अगर सर m बराबर कुछ दे दिया रूट थ्री और x इंटरसेप्ट आपको दे दिया सर यानी b बराबर दे दिया आपको कुछ मान लीजिए माइनस टू दे दिया है, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है, कुछ मत करो सर y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी होता है ना, y बराबर m के जगह पे रूट थ्री एक्स डी के जगह पे माइनस टू रख दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस टू। तो ये था आपके लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, काफी आसान है। एक चीज लास्ट में मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन कह दे लिखने के लिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो चूंकि सर एक्स एक्सिस पर कहीं भी चले जाइए उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है सर जीरो, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो आपका हो जाएगा वाई बराबर जीरो, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पूछ दे सर तो वाई एक्सिस पर आप कहीं भी चले जाइए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो, इसीलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या एक्स बराबर जीरो बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना सर एक्स बराबर जीरो। तो ये था आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाइन्थ क्लास का लेक्चर, अब यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसी से हमको एनर्जी मिलती है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। फिलहाल।